प्रेजेंट, एक बार और सेलो प्रेजेंट, वाह भाई वाह, दो पापा जीएन ब्रा। कविताओं का, शायरी का, मोहब्बतों का, मुस्कुराहट का और तबस्सुम का एक ऐसा शो जो और कहीं नहीं हो सकता। इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि संस्कृति से जुड़े हुए लोग कम है ना इस देश में, लेकिन हम लोग हैं। हम लोग संस्कृति से जुड़े हुए हैं, भाषा से जुड़े हुए हैं, संस्कारों से जुड़े हुए हैं, इसलिए आपके बीच में आते हैं, कविताएं करते हैं और कहते हैं वाह भाई वाह, क्योंकि भाषा हमारी जो है वो कमाल की, हमारी भाषा का कोई मुकाबला हो ही नहीं सकता। हिंदी जैसी लिखी जाती है वैसी ही पढ़ी जाती है, एक जरा सा भी कोई फर्क नहीं होता। हम विदेशी भाषाओं के गुलाम होते जा रहे हैं, पर विदेशी भाषाओं को तोड़ मोड़ के आप कुछ भी कर सकते हैं। जैसे लड़का लड़की रेस्टोरेंट में गए, हमेशा की तरह जब पैसे देने की बारी आई, आप जानते ही हैं उस वक्त लड़कियां बस मुस्कुरा देती हैं। फिर ये क्या बात हुई, दोनों प्यार करते हो, दोनों खा रहे हो, दोनों बैठे हो, पैसा बेचारा वो क्यों देगा, लेकिन करना पड़ता है। मेरे खुद के कितने गए मैं बता नहीं सकता। खैर, और जा रहे हैं कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। पर लड़कियां लॉजिक भी ऐसे देती है ना, जब रेस्टोरेंट बैठे पैसे देने की बारी आई तो लड़के ना, एक लड़के ने कह ही दिया मैं क्यों दूं। अब लड़की ने जो लॉजिक दिया उसने कहा देखो भाई, खाना जब हम खाते हैं तो पहले क्या आता है, मेन्यू आता है। मेन्यू की स्पेलिंग क्या है, MENU, तो मेन्यू तो तुम मैन हो तो तुम्हें ही देना पड़ेगा। पर लड़का भी उस दिन मूड में था, स्पेलिंग क्या है, बोले MENU, तो ठीक है, बोले MEME, MENU, आधा आधा देते। पर हिंदी में आप ऐसा तोड़ मरोड़ नहीं कर सकते, ये अंग्रेजी में ही हो सकता है। हिंदी तो हमारी बड़ी कमाल की भाषा है, लेकिन ये भाषा आदमी बेचारा कुछ बोले बस, और शादीशुदा आदमी तो जीवन में कुछ बोल ही नहीं सकता। एक दिन घर में बैठा हुआ बस वैसे ही बोला, बाहर बारिश हो रही है, इतना सा बोला, अब अंदर से बेसन नहीं है घर में, बेचारे बोला इतना सा था कि बाहर बारिश हो रही है, घर में बेसन नहीं है, पकौड़े नहीं बनेंगे, तेल भी बहुत महंगा हो गया है, बर्तन है, काम वाली भाई भी नहीं आई है, और ये तो बोलना ही मत कि बर्फ और गिलास लेके आ जा, बच्चे बड़े हो गए घर में कोई चलेगा नहीं। अरे माँ मैंने तो इतना बोला है कि बाहर बारिश हो रही है यार, और बोला है क्या, इतना सा भी नहीं बोल सकता आदमी। लेकिन हमारा आदमी तो बोलता है तो कमाल का बोलता है। अब वो करोड़पति वाले खेल में आप जानते हैं, फोन ए फ्रेंड होता है, तो हमारा एक दोस्त गया तो फोन ए फ्रेंड, बताइए किसको फोन करना, सुरेश, सुरेश को करो, कौन है आपका भाई है दोस्त है, नहीं 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 उधार लिए 3 साल हो गए फोन नहीं उठा रहा, आप करोगे तो उठाएगा, सारा देश सुनेगा इसने मुझसे उधार लिए, मिल जाए तो ठीक है, अपना तो फायदा हार के भी गए तो इससे तो पैसे आ जाएंगे। ये देखिए तरीका है जिंदगी भाई, सौभाग्य से ही दुनिया में ऐसी चीजें प्राप्त होती है। जिंदगी में सबसे बड़ा सौभाग्य तो ये कि ईश्वर ने हमें इंसान बनाया, उससे बड़ा सौभाग्य ये कि हमारे हाथ पांव नाक कान सब सही सलामत दिए, उससे बड़ा सौभाग्य ये कि हम ऐसे परिवार में हमने जन्म लिया जहाँ संस्कृति और संस्कार की बातें होती है, उससे बड़ा सौभाग्य ये कि हमें हिंदुस्तान की माटी पे पैदा किया जहाँ पे कविताएं हैं, शायरी है। दुनिया में और कहीं कविताओं को ऐसा प्यार नहीं मिलता जैसा हिंदुस्तान में मिलता है, इसीलिए तो हम कहते हैं वाह भाई वाह। लेकिन सौभाग्य सभी के पास तो होता नहीं, जीवन में दुर्भाग्य कभी भी पीछा कर सकता है किसी भी वक्त। आदमी का सौभाग्य कब दुर्भाग्य में तब्दील हो जाए नहीं पता चलता। जैसे लिफ्ट में एक बड़ा लड़का घुसा तो एक लड़की फोन पे बात कर रही थी, चल हाँ सुन ना सुन, ए सुन ना, एकदम से कोई हैंडसम लड़का लिफ्ट में आ गया है, मैं फोन रखती हूँ ना, बाद में बात करती हूँ, ठीक है बाद में करती हूँ, बिल्कुल बिल्कुल। अब ये लड़का बल्लियों उछल लगा, क्या सौभाग्य, लड़की खुद कह रही है हैंडसम लड़का है, अब खड़ा खड़ा एकदम से टेढ़ा हो गया, स्टाइल मारने लगा, अरे हैंडसम लड़का मैं रखती हूँ रखती हूँ रखती हूँ। फिर बोली देखिए ना माफ़ कीजिएगा, मेरी सहेली है ना मुझे बहुत बातें करती है, मैंने 2 घंटे फ़ोन ही नहीं रखती और मुझे फ़ोन काटना था इसलिए झूठ बोलना पड़ा, सॉरी अंकल।
सॉरी अंकल। एक सेकंड में बेचारा दुर्भाग्य में तब्दील हो गया। जैसे एक आदमी घर में रात को सो रहा था, अचानक घंटी बजी। आजकल सब ऐसे ही प्रवेश करते हैं। जब बोला, आप कौन? मैं मौत हूं। मौत? हाँ, तुम्हें लेने के लिए चलो। लेकिन हो गया तुम्हारा टाइम पूरा। चलो, आदमी को सोचा बड़ी गड़बड़ हो गई है, तो उसने सोचा कुछ बुद्धि का इस्तेमाल किया जाए, तो शायद ये जो दुर्भाग्य मेरे दरवाजे पे आया है सौभाग्य में तब्दील हो जाए। तो बोला, देखिए मौत जी, मौत जी, आप इतना काम करते हैं, थोड़ी देर बात चले रही, तुम्हारा ही नंबर है, लिस्ट है देखो, ये सबसे ऊपर तुम्हारा नंबर है, चलो। देखिए आप बहुत थक गए होंगे, एक काम करो ना, कुछ खा पी लो, फिर चलो, मैं तैयार हूँ, आई गए तो मैं कहाँ जाऊँगा, आपके चंगुल से तो कोई बचा नहीं है, मैं भी कहाँ बचूंगा, फिर चलूंगा। अच्छा बोला, ठीक है, मैं कुछ खाने पीने के लिए आता हूँ। आदमी गया और खाने पीने के सामान में उसने नींद की गोली मिला दी। बोले कुछ देर सो जाए तो मजा आ जाएगा। अब वो गया, नींद की गोली मिलाई, ले आया, उसे कुछ खिलाया पिलाया, मौत को नींद आ गई। अब जैसे ही मौत को नींद आई, उसने सोचा अब इसकी लिस्ट में चेंज कर देता हूँ। तो उसने जो सबसे ऊपर नाम था अपना सबसे नीचे कर दिया। बोला अब मेरा नंबर कई सालों बाद आएगा, अब चिंता नहीं है, अब अपन सब बैठ गया बड़े आराम से। अब मौत को जैसे ही होश आया, आंखें खुली, नींद खुली, वो बोला देखो पहला आदमी है जिसने मौत की ऐसी खातिरदारी की है, इसे नींद को खिलाया पिलाया और बिठाया, कौन करता है मौत का ऐसा स्वागत, इसलिए मैं तुमसे बहुत खुश हूं, और खुश इसलिए हूं कि तुमने मेरा यह स्वागत किया, इसलिए आज मैं भी कुछ करना चाहता हूं तुम्हारे लिए, मैं ये करना चाहता हूं कि जो लिस्ट है ऊपर से शुरू हो रही थी आज नीचे से शुरू करूंगा।